नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग का सपोर्ट और आशीर्वाद से और आपके अच्छे अच्छे कमेंट के वजह से काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिला। जिस प्रकार मैं शुरू से लेकर आज तक मैं वीडियो बनाता रहा और आगे भी मैं बनाता रहूँगा, और इसी प्रकार आप सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो आज मेरे देखा जाए तो मेरा YouTube फैमिली जो है वो 100 के हो चुका है आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से। तो आगे भी संघर्ष जारी रहेगा YouTube पे। तो फिलहाल मैं सुबह सुबह पहुंच चुका हूं अपने वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध और मेरा फेवरेट घाट, जिसका नाम है गाय घाट। तो आज मैं सुबह सुबह उसी का नज़ारा दिखाने वाला हूं। और इस समय सुबह के 10:15 हो रहे हैं, या 10:15 का नज़ारा है। और इस समय देखेंगे मौसम भी काफ़ी सुहाना है और बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर गाय घाट पर पिंडदान करने के लिए, स्नान करने के लिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी ज़बरदस्त का भीड़ है। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो गली देख रहे हैं सीधे, यानी कि अगर आप मैदागे साइड से आ रहे हैं मछोदरी पार करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे, यानी कि लगभग 50 मीटर की दूरी पर, तो वही दाहिने साइड में एक गली कटा हुआ है, जो कि गली के माध्यम से होते हुए आप सीधे चले जाएंगे गाय घाट के लिए। यानी कि सीढ़ी के माध्यम से होते हुए नीचे आप गाय घाट के लिए चले जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नीचे। हालांकि देखा जाए तो आप घाट के सीढ़ियों के माध्यम से भी गाय घाट आ सकते हैं, यानी कि मणिकंडिका घाट से भी आ सकते हैं, राजघाट से भी आ सकते हैं। और देखते हैं फिलहाल गंगा का जलस्तर कितना कम हुआ, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि वाकई में घाट से आया जा सकता है या फिर नहीं। जैसे ही आप सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरेंगे तो कई सारे आपके मंदिर मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, एक है टंकेश्वर महादेव मंदिर, उसी प्रकार देखिए कई सारे शिव मंदिर यहाँ पर भी स्थित है। और देखा जाए तो वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक घाट ये भी है, गाय घाट। देख रहे हैं घंटी और डमरू का आवाज आप सुन पा रहे होंगे। चलिए इस साइड से थोड़ा सा आपको घुमा देते हैं। यहाँ पर देखिए घाट किनारे बहुत ही विशाल पीपल का पेड़, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पर घाट पर स्नान कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ना इस साइड, इसमें मौसम भी काफी सुहाना मौसम है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए, मैंने कहा था ना, बहुत से लोग हैं जो कि साउथ के भी लोग हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पिंडदान शायद होने वाला है, कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है पिंडदान का। यानी कि अभी भी देखा जाए तो इतना ज्यादा गंगा का जल स्तर कम नहीं हुआ है कि यानी कि एक घाट से दूसरे घाट जा सकता है, जैसे कि आप भी देख ही पा रहे होंगे। अगर इस साइड से जाएंगे तो आगे देखेंगे तो वहां पर अभी बाढ़ का पानी अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से यानी कि आगे आप नहीं जा सकते हैं। आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये सामने देख रहे होंगे, जो कि इस साइड का पूरा घाट का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ घाट है, सीढ़ियाँ कहाँ है। चलिए चलते हैं नीचे, नीचे से भी आपको दिखाते हैं गाय घाट के नज़ारे। ये देख रहे हैं अपने वाराणसी के सभी मंदिरों में देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार का आपको गूंज सुनाई देगा। ये देख रहे हैं पिंडदान हो रहा है सामने, और बाहर से भी देखिए बहुत से लोग आए हुए हैं, साउथ के लोग और अन्य जगह से लोग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि यही गाय घाट पर स्नान कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है सामने गाय घाट का, यानी कि अभी भी देखा है तो गंगा का जलस्तर काफी तेजी गति से कम हुआ है, यानी कि इतना भी कम नहीं हुआ है कि यानी कि एक घाट से दूसरे घाट जाया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर यही अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो आगे बढ़ने के लिए ये देख रहे हैं मिट्टी बालू का ढेर, फिलहाल देखा है तो सुबह सुबह ही सफाई अभियान चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उस साइड। ये देख रहे हैं दोस्तों, और फिलहाल यहाँ पर एक मूत्रालय था, मूत्रालय के अंदर भी इसमें मिट्टी बालू का ढेर जमा हुआ है। और सामने देख रहे होंगे वो है राजघाट पुल।
जो कि उसी पुल के नीचे बाएं साइड में आपका है नमो घाट, जिसे कृतिया घाट के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए जिस प्रकार इस घाट का नाम है गाय घाट, उसी प्रकार देखेंगे तो ये देख रहे हैं नंदी जी विराजमान है सामने, जो कि उसके नीचे भी आपके नंदी जी थे जो कि अभी भी बाढ़ में डूबा हुआ है। देख रहे हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़े में है और बाढ़ का पानी होने की वजह से जो इसका गोल्डन जो कलर था वह अभी कई जगह आप देखेंगे तो उड़ चुका है। ये देख रहे हैं, और ये है गाय घाट का बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा, और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे वीडियो में। आगे भी घुमाए थे, अभी फिलहाल दिखाए तो हवा भी चलने लगा है, जिसकी वजह से हो सकता है मेरे वीडियो का थोड़ा सा जो क्वालिटी है वो गड़गड़ाहट टाइप में आपको सुनाई दे। ये देख रहे हैं, देखा है तो इसी के ठीक नीचे कई सारे आपके शिवलिंग भी थे जो कि इस घाट को और भी खूबसूरत बना देता था, लेकिन बाढ़ में देखा है तो फिलहाल अभी भी डूबा हुआ है। और अभी भी देखा है तो इस साइड जो पत्थर है जो बिछा हुआ है अभी भी देखेंगे तो मिट्टी बालू का ढेर जमा हुआ है। ये देखिए पिंडदान हो रहा है, ये देख रहे हैं दोस्तों। फिलहाल अभी भी देखा है तो इस घाट से दूसरे घाट पर आप नहीं जा सकते हैं, वहां पर भी देखिए पिंडदान हो रहा है सामने, जैसा कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही दिखाया था। और नाव के बारे में बात किया है तो अभी भी फिलहाल जिस हिसाब से नाव चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है, और इसी के ठीक सामने बगल में भी एक शिवलिंग था जो कि अभी भी बाढ़ में डूबा हुआ है। ये देख रहे हैं लहर मार रहा है गंगा जी का, और इस साइड देखेंगे तो रस्सी बना हुआ है। रस्सी इसलिए बना हुआ है कि रस्सी के माध्यम से नाव को बांधा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये कतार में नाव खड़ा है। देख रहे दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।